नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल गुजरात जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर आती है, इस बीच लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल गुजरात जाएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में भी गुजरात में अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे और जेल में बंद आप विधायक चैतर बसावा से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। इस बीच जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी दफ्तर जाने वाले सभी रास्तों को बंद किया गया है और केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर को ईडी ने गलत बताया है, इस बीच बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, वो 3 दिनों के गुजरात दौरे पर जाएंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि लोकसभा चुनावों में अब कुछ ही समय का वक्त बचा है। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद, एक तरफ दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर को ईडी ने गलत बताया है, लेकिन जो गुजरात दौरे के बारे में जानकारी मिल रही है, कब जाएंगे गुजरात? देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है कि 3 दिन के गुजरात दौरे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाएंगे, जहां 6, 7, 8 जनवरी को वो वहां पर रहेंगे और 7 जनवरी को डेडियापाड़ा विधानसभा में वो एक जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र भी इस कैंपेन को जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही चेतर बसावा, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो अभी जेल में बंद हैं एक अन्य मामले में, उनको उनके समर्थन में जनसभा की जाएगी, कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। तो अब जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से आशंका जाहिर की जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारी होगी, छापेमारी होगी, और इस बीच अब यह खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल 3 दिन के लिए गुजरात दौरे पर जा और अरविंद केजरीवाल से जुड़े इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दावे के बीच ईडी सूत्रों के मुताबिक एक बेहद अहम खबर, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की प्लानिंग के दावे बिल्कुल गलत हैं। और ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है, क्योंकि आम आदमी के पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कुछ ऐसे उलट भी दावे किए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करके दावा किया था कि आज ईडी सीएम केजरीवाल के घर छापा मार सकता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस तरह के दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। दरअसल ईडी ने 3 बार समन जारी किया अरविंद केजरीवाल को और तीनों ही बार वो गैर हाजिर रहे, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस तरह के ट्वीट भी किए कि ईडी अब छापेमारी करके अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन सूत्र कहते हैं कि ये दावे बेबुनियाद हैं, बिल्कुल गलत। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता ट्वीट करके दावा कर रहे थे कि ईडी आज केजरीवाल के घर पर छापा मार सकती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ट्वीट किया और यह दावा किया, शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 3 बार पेश होने के लिए समन्स भेजा, लेकिन वो अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और इस पर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और इस बीच में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह बड़ा दावा किया जिसे ईडी के सूत्रों ने खारिज कर दिया और ये बताया गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर गलत है। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, मानव है अरविंद केजरीवाल के घर से, इसके अलावा जावेद है। मानव, अब क्या हलचल इस वक्त आप केजरीवाल के घर पर देख पा रहे हैं, कोई पहुंचा वहां पर उनसे मिलने? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो सड़क है जो 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग सीएम आवास से होकर गुजरती है और ये तकरीबन 1 किलोमीटर का हिस्सा है, और दर्शकों को ये समझना होगा कि ये सड़क, क्योंकि बहुत इलाका है सीएम आवास यहाँ पर है, तो दोनों तरफ यहाँ पर बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास ये दोनों गेट यहाँ पर बंद थे और ये सड़क पूरी तरीके से बंद थी, लेकिन फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि 1 घंटे पहले यहाँ पर जितनी सिक्योरिटी तैनात थी वो अब कम कर दी गई है, और अमूमन हम देखते हैं कि सीएम आवास यहाँ पर है तो यहाँ पर रोजाना ही सिक्योरिटी मौजूद होती है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद होते हैं, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी कम की गई है। फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा जो सुरक्षा एजेंसी की तरफ से यहाँ पर भेजा गया हो। तो फिलहाल जो ईडी की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि एक तरीके से झूठी अफवाह है।
और एक बेहद अहम और बड़ी खबर यह कि आम आदमी पार्टी के नेता दावा करते रहे कि तीन बार ईडी के सामने पेश न होने के बाद अब आखिरकार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट छापेमारी कर सकती है और उसके बाद गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ा दावा अब आम आदमी पार्टी की ओर से कि केजरीवाल के घर को बंद करने की कोशिश, मुख्यमंत्री के घर को दिल्ली पुलिस घेर सकती है, रास्तों को बंद कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है और घर के स्टाफ को भी मुख्यमंत्री आवास पर जाने से रोका जा रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है। संदीप पाठक ने ट्वीट किया कि केजरीवाल के घर पर छापेमारी हो सकती है ईडी की। और आतिशी ने ट्वीट किया कि केजरीवाल के घर ईडी की छापेमारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी के इन दावों पर बीजेपी ने हमला बोला है और कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है। शराब जो है शरीर और आत्मा का नाश करती है, पर इस शराब ने तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी नाश किया है। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, विलाप कर रही है कि हाय अरविंद, हाय अरविंद। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप, तीन तीन बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना था अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी की रेड हो सकती है, उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ये कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। तीन बार से आप ईडी के समन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। कानून के तहत आपकी कानून आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कानून से ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट विपाशना है। मानव और जावेद दोनों बने हुए हैं। मानव, बीजेपी तो इसे आम आदमी पार्टी की मनोहर कहानियां बता रही है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, जब इससे पहले आबकारी नीति मामले में चाहे संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो, उनसे पूछताछ होती थी तब भी ये लोग पहले ये कहते थे कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल को जब तीसरा समन 3 जनवरी के लिए भेजा गया तो कल जब पेश नहीं हुए तो उसके बाद से देर शाम के बाद ये शुरू हुआ कि अब अरविंद केजरीवाल को, आपके मुखिया को ईडी हिरासत में ले सकती है। तो इस तरीके से ये खबरें रात भर चली और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने ट्वीट की। तो अब बीजेपी ये कह रही है कि दोनों चीजों में विरोधाभास है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे थे कि हम जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पूछताछ में शामिल नहीं होंगे तो आप किस तरीके का सहयोग कर रहे हैं, तो यही सवाल बीजेपी भी पूछ रही है। दूसरी तरफ जब वकीलों से बात करते हैं, कानून के जानकारों से बात करें, तो उनका यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि इस मामले में आरोपी नहीं है, ऐसे में जो एक तरीके से पीएमएलए की जो धारा 19 है उसके अंतर्गत ईडी उनसे जबरन उनको हिरासत में नहीं ले सकती और उनको बाकायदा कोर्ट से एक वारंट लेके आना पड़ेगा उनसे, अगर उनके घर पे रेड करनी है या उनको गिरफ्तार करना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लेकर मामले में, आबकारी नीति मामले में आरोपी नहीं। अब इस मामले में मानव लगातार सियासी बयान भी आ रहे हैं, लेकिन शराब घोटाला मामले में दिल्ली बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और रमेश विदुड़ी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहे हो? और ईडी के साथ आपका जो रवैया है, एक के बाद एक तीन सम्मन पे आप जा नहीं रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, ये शर्मनाक है। किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। और आप तो ईमानदारी की बातें करते थे, आज आपका व्यवहार ये बता रहा है कि आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। लेकिन केजरीवाल साहब शराब घोटाले में करोड़ों रुपए डकार जाएंगे जनता के, जो जनता के विकास का पैसा सरकार के पास आना चाहिए था वो कमीशन को 5% से 12% बढ़ाकर और शराब के ठेकेदारों को दिलवा दिया गया, उसमें से आधा पैसा खुद खा गए, करोड़ों का घोटाला कर लिया। अब ईडी के लिए सवाल पूछने के लिए पूछ रहे हैं विधवा विलाप करके, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर पुलिस किसी के घर बार बार जा रही है, बुला रही है, नहीं आ रहे हैं, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए क्या? गिरफ्तारी का जो मसला है ये अपने सर पर खुद केजरीवाल ले आए हैं।
हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जितना भी संदेह हो ईडी पे सीबीआई पे, और हम सबको है, ऐसा नहीं है, और उसमें कुछ केस उनके सही भी हैं, और हम लोग तो खैर दिल्ली में मानते हैं, दिल्ली कांग्रेस के कम से कम, कि भाई इन्होंने शराब में गड़बड़ी की है, खैर वो अलग बात है। बात यह है कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। आप कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको, लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे, आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे, तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? जावेद, इस मामले को लेकर के सियासी गदर मचा हुआ है, लेकिन किस आधार पर आम आदमी पार्टी द्वारा ये कहा गया कि सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं? सुबह से आपने क्या देखा अभी तक? देखिए, जो रात से घटनाक्रम हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, उनसे आज पूछताछ होगी, और सुबह माहौल भी ऐसा बना क्योंकि पुलिस प्रिकॉशनरी सिक्योरिटी हैवी डिप्लॉयमेंट अरविंद केजरीवाल की आवास के आसपास करती है, और वो दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं जिस सड़क पर उनका घर है, उसके बाद हालांकि बाद में खोल दिए गए। यही सवाल हमने जैस्मिन शाह से पूछा कि आखिर आप ये बताइए कि इस जानकारी का आधार क्या है कि अरविंद केजरीवाल आज गिरफ्तार होंगे, पूछताछ होगी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है और जिस तरह का माहौल बना है, और उन्होंने एक पॉलिटिकल बयान दिया कि बीजेपी इस तरह की बात करती है कि गिरफ्तारी से पहले कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, यही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के मामले में भी कहा था। लेकिन इस तरह के दावों को बेबुनियाद भी बताया जा रहा है। शराब घोटाला मामले में ईडी के सूत्रों के मुताबिक एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन्स भेजा जा सकता है, और खबर यह है कि समन्स पर एक बार फिर पेश न होने पर ईडी अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेकर भी पूछताछ कर सकती है। लेकिन चौथी बार एक बार फिर समन्स किए जाने की खबर आ रही है, क्योंकि 3 बार समन किया गया है इस पूरे मामले में, अरविंद केजरीवाल गैर हाजिर रहे हैं, और अब एक बेहद अहम खबर कि ईडी एक बार फिर से समन जारी कर सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए, और अगर फिर भी वो गैर हाजिर रहते हैं तो हिरासत में लेकर भी अब ईडी पूछताछ कर सकती है। दरअसल शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर बीजेपी हमलावर है, और केजरीवाल और उनके मंत्री पद पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप भी बीजेपी ने लगाया है। अरविंद केजरीवाल जो कभी नारा लगाते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, तब भी झूठी सौगंध खाते थे, जो वायदा करते थे ईमानदार सरकार देंगे, वो वायदे भी और दावे भी फीके और खोखले हो गए, क्योंकि एक के बाद दूसरा उनका मंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में है, और जितनों को ईमानदारी की चिट देते थे वो सारे जेल में हैं। इनके सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, अब मुख्यमंत्री की बारी आई तो तीसरी बार समन आने पे भी केजरीवाल सामने नजर नहीं आए। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी से सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसा क्या डर है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे? वो सूचना आ रही है, वो तो यही आ रही है कि खड़गे का नाम प्रपोज किया गया है और राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया गया। सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर देखिए, संसद विधानसभाएं बनती हैं जाके लोगों की बात कहने के लिए, ना कि वहां जाकर दंगा करने के लिए, तो इसलिए ये सारा हो रहा है। और वो तो बुला रहे हैं बातचीत के लिए भी नहीं जा रहे। इनका मकसद तो हर सेशन में यही होता है कि किसी प्रकार से जो संसद का काम है उसको रोका जाए।